अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और साथ ही आप लोग को जुम्मा मुबारक काफ़ी सारी दुआओं के साथ। अभी सुबह ही आप लोगों को पता है फ्राइडे शॉर्ट टाइम होता है, मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप से। आने के बाद नमाज का टाइम हो जाएगा, उसके लिए रेडी होऊंगा। और आज पॉडकास्ट की शूटिंग है, इस वजह से पॉडकास्ट की शूट जो होगी वो कॉलेज से आने के बाद होगी, क्योंकि यार अब कॉलेज का एंड टाइम चल रहा है। मैं छुट्टी भी नहीं कर सकता क्योंकि फर्स्ट पॉडकास्ट में मैंने छुट्टी किया था, लेकिन अब छुट्टी नहीं करूँगा। आने के बाद 9 बजे शूटिंग होगी, तो इंशाल्लाह संडे को अपलोड हो जाएगी। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अब मैं शॉप जा रहा हूँ। मैं शॉप से होकर आ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ फ्रेश होने। और आप लोगों को एक बात बताना था कि यार फ्राइडे वाले दिन ना वीडियो लेट अपलोड होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है नमाज का टाइम होता है और मैं 1:30 बजे करता हूँ, तो 1:30 बजे नमाज का टाइम होता है। इस वजह से फ्राइडे वाले दिन लेट वीडियो अपलोड हुआ करेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा फ्रेश होने। रेडी हो चुका हूँ, नमाज का टाइम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, फिर आगे वीडियो अपलोड करूँगा। नमाज पढ़ के आ चुका हूँ और यार फ्राइडे वाले दिन 2:30 बजे तक वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्राइडे शॉर्ट टाइम होता है, नमाज पढ़ने जाना होता है। इस वजह से लेट वीडियो अपलोड होगा सिर्फ फ्राइडे वाले दिन, बाकी तो आप लोगों को पता है 1:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है मेरा, लेकिन फ्राइडे वाले दिन लेट होगा। अभी मैं आया हूँ नमाज पढ़ के, अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। यार लैपटॉप में फिर वही मसला आ गया, नो वो टेबल डिवाइस दिखा रहा है, प्लीज रिस्टार्ट सिस्टम। ये वही कार्ड हिल गया उस दिन जो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि ये कार्ड हिल गया, इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। अभी मैं इसको खोलता हूँ, वो कार्ड सही करता हूँ, फिर करूँगा अभी। यह लैपटॉप ऑन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली लैपटॉप सही हो चुका है। अब करते हैं हम लोग जल्दी से वीडियो अपलोड, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यार। आज मेरे हेयर पे फुल बम फटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं क्यों। ये व्लॉग भी करते जल्दी से हम लोग अपलोड, ही हो गया हमारा पब्लिक, ये पब्लिक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक जो वीडियो अपलोड हो गया, आप लोग जाके देखने लाइक कमेंट्स भी लाजमी करना। आप लोग वीडियो तो अपलोड हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप ओपन करने, टाइम हो गया शॉप का, शॉप सफारी को कर आ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन वगैरह लिखने पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन वगैरह करूँगा कि क्या क्या पूछना वगैरह। तो अब फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करके फिर कॉलेज का टाइम हो जाएगा, सीधा जाएंगे कॉलेज। मैं अभी सो कर उठा हूँ, अब जा रहा हूँ फ्रेश होने, चाय वगैरह पीते, फिर उसके बाद जाओ कॉलेज का टाइम हो जाएगा, कॉलेज जाऊँ। और आप लोग देख रहे हैं कि ये पोनी बना हुआ है, क्योंकि यार आज रात को पॉडकास्ट की शूटिंग है, तो इस वजह से ना बाल इधर उधर काफ़ी होता है, इस वजह से मैं पोनी बांधा ताकि रात को बिल्कुल सेट तरीके से बाल कॉम्बिंग कर सकूँ। कॉलेज का टाइम हो गया, अब चलते हैं कॉलेज, फिर आने के बाद सारा सेटअप वगैरह कर दिया रूम में, सिर्फ बस बैठना है पॉडकास्ट के लिए। मैं कॉलेज से आ चुका हूँ और इधर पॉडकास्ट की सेटिंग वगैरह चल रही है। अभी क्या रखा हो पागल है, इधर पॉडकास्ट की सेटिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा। अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने,
एक्चुअली है लव स्टोरी में जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत में किस हो जाते हैं माथे पे वो काल भी होते गलत माइंड नोट, गलत माइंड की बात नहीं, जो मोहब्बत करते हैं वो समझते हैं। तो जो थ्योरी है ना वो ये कि लड़के को पहला स्टेज क्लियर करना पड़ता है। मेरा सीन कुछ और था, उसमें लड़की ने पहला स्टेज कम्प्लीट किया था, तो इसी तरीके से हुआ था। शायरी देखे वारिस बहन शाह से लिखी था, तो जो एम्ब्रॉयडरी थी बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त, और उस पर ही मैंने ये लाइन लिखे रखा हुआ था काफ़ी पहले कि मुझे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, हमारी मोहब्बत से पहले शर्माए तुम ही थे, उससे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, हमारे मोहब्बत में शर्माए पहले तुम ही थे, और ये माना तुम्हें बाहों में पहले मैंने भरा था, और ये माना तुम्हें पहले बाहों में मैंने ही भरा था, पर मेरे होठों के नजदीक पहले आई। ये लाइन की स्टोरी कुछ इस तरीके से कि मैं अपने साथ जब एक पार्क में बैठा हुआ था कि वो शाम में भी याद नहीं मुझे कम्प्लीट नहीं, तो वक्त पार्क में बैठी उसके साथ कुछ और मेरे भी दोस्त वगैरह उसके कुछ दोस्त वगैरह कपल्स वगैरह सारी एक ग्रुप पूरी ग्रुप साथ में थी हमारे। वो कुछ कहानी इस तरीके से थी कि यार उसके एक दोस्त ने ये बात कही कि कभी उसके फोटो के करीब ही नहीं गया, तो मेरा इरादा कहां है, मैं सोचा ही नहीं ऐसा कुछ करने का कभी, तो इसी पे मैंने लेके मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, ये लाइन मैंने वहीं लिखी थी, और ये बात मैंने वहीं लिखी थी कि मैंने वहीं ये लाइन लिखी कि तेरे लाइन से, पर वो शाम मुझे याद नहीं, वो मेरी पर्सनल स्टफ है, सिगरेट वाला स्टफ है, वही मैंने आपको खुल के बता दिया कि सिगरेट वाला स्टफ भी मेरा अपना है, और इस तरीके से बहुत पोएट्री लिखी हुई है, और एक बहुत अच्छा सा शायर है, उसके बाद में उसके बाद आपको जो दो तीन सवाल रह गए आपके, वो आप सवाल कर लेना, कोई इशू नहीं है, मुझे पता ही पॉडकास्ट थोड़ी लंबी आ रही है, मैं इस तरह से पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगी, और हमारे साथ हमारे फैजी भाई और वारिस, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को इंस्टा का, इनको इंस्टा पे फॉलो करें, काफ़ी अच्छा अच्छा शेर व शायर करते हैं हमारे भाई, और इंशाल्लाह आप मोहब्बत दिखाओ यार, इनके ब्लॉग्स पे मोहब्बत दिखाओ, सिर्फ हमारे पॉडकास्ट पे इनके ब्लॉग पे भी मोहब्बत दिखाओ, ठीक है, तो बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि यार प्लीज़ मोहब्बत दिखाएं, सब्सक्राइब करें, फैला दो वीडियो को, फैला दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, पॉडकास्ट के हिल दे तो आपको संडे दिन अपलोड हो जाएगी, फैला देना उसको, तबाही तबाही, तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को डिलीट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठोक दो, अल्लाह हाफिज़।